नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। एचआरटीसी कर्मचारियों को तोहफा, क्या तोहफा है, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। दिन आएगा 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम, जो किस दिन आएगा इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग देगा सीयू, जी हाँ, इस खबर के बारे में भी पूरी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से नर्सिंग संस्थानों को खोलने के नियम सरल करने के बाद 20 आवेदन आए हैं। चिकित्सा शिक्षा संस्थान कार्यालय मंडी, कांगड़ा, सिरमौर और हमीरपुर जिला में संस्थान खोलने के लिए आवेदन आए हैं। पहले निजी नर्सिंग संस्थान खोलने के लिए 100 बिस्तरों का होना अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है। हिमाचल में इस समय 54 निजी नर्सिंग है। सरकार के 2 नर्सिंग संस्थान है, इसमें एक इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और दूसरा जिला मंडी में है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने शनिवार को 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। 3 इकाई में 5 टॉपरों में से 4 छात्राएं और 1 छात्र अव्वल रहा। आर्ट्स में प्रदेश भर में प्रथम आई बिलासपुर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल घुमारवीं की वाणी गौतम, जिन्होंने 494 अंक हासिल किए हैं, 98.8% ओवरऑल टॉप रही है। परीक्षा परिणाम 93.91% रहा है। साइंस इकाई में कांगड़ा के ईशान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल समलोटी की शगुन 98.6% और 493 अंक उन्होंने हासिल किए हैं। बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बैठे की अक्षिता 493 अंक और हमीरपुर के न्यू पब्लिक स्कूल गोपालपुर के क्षेत्र 493 अंक उन्होंने हासिल किए हैं और संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्मार्ट पुलिस अब सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक सेगवे स्कूटर से गश्त करती नजर आएगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शनिवार को माल रोड पर 2 इलेक्ट्रिक स्कूटरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल रिज मैदान और माल रोड पर किया जाएगा और इसका इस्तेमाल जो है वो पुलिसकर्मी जो है गश्त के दौरान करेंगे। इस स्टील बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और हुड़दंगियों पर नकेल कसने में पुलिस को मदद मिलेगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत शिमला शहर में पुलिस को हाईटेक बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम भी अगले सप्ताह घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड प्रयास कर रहा है कि परिणाम जो है वो 24 से 25 जून तक घोषित कर दिया जाए। बता दें कि प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने शनिवार को 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 21 जून से 28 जुलाई तक बरसात की छुट्टियां होंगी। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा निदेशालय ने ग्रीष्मकालीन स्कूलों की बरसात और सर्दियों की छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव कर दिया है। बरसात की छुट्टियों को 26 जून से 2 अगस्त तक देने का पुराना फैसला भी बदल दिया गया है। छुट्टियों की कुल संख्या 38 ही रखी गई है। सर्दियों की छुट्टियों में बदलाव करते हुए जनवरी के पहले सप्ताह की जगह अब लोहड़ी के दौरान 6 दिन का अवकाश देने का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है से 21 जून से 28 जुलाई तक 38 दिन की बरसात की छुट्टियां होंगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी के 13,000 कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के तहत सभी लाभ मिलेंगे। 3 महीने के भीतर इन्हें संशोधित वेतनमान और अन्य वित्तीय लाभ मिलेंगे। धर्मशाला में एचआरटीसी के निदेशक मंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने की। हालांकि किस कर्मचारी को क्या लाभ होगा ये संशोधित वेतन निर्धारण होने के बाद ही पता चलेगा। बैठक के बाद मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शिमला सचिवालय के कर्मचारियों को भी पुलिस कर्मचारियों की तर्ज पर निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा मिलेगी। रेनबो स्कूल नगरोटा बगवा में राष्ट्रीय महिला वेटलिफ्टिंग लीग के 4th दिन सीनियर वुमन 59 किलोग्राम भार वर्ग में आरएसपीवी की पॉपी हजारिका ने स्वर्ण पदक, पश्चिम बंगाल की सुगरना अजायक ने रजत और हरियाणा की भावना ने कांस्य पदक जीता। यूथ वुमन 59 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की सोनाक्षी ने स्वर्ण पदक, असम की त्रिरुचना पुकन ने रजत और झारखंड की सीमा मरांडी ने कांस्य पदक जीता। जूनियर वुमन 59 किलोग्राम भार वर्ग में पश्चिम बंगाल की सुकर्णा आदित्य ने स्वर्ण पदक, हरियाणा की भावना ने रजत और हैदराबाद की सोनाक्षी ने कांस्य पदक पर कब्जा किया। मनाली की आंचल ठाकुर ने 25 देशों की 80 महिलाओं के साथ स्विट्जरलैंड की 4164 मीटर ऊंची विथार चोटी पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। महिला सशक्तिकरण का संदेश लेकर निकली विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाएं शुक्रवार रात को भारतीय समय के अनुसार रात करीब 9 बजे चोटी पर पहुंची। आंचल ने चोटी पर तिरंगा लहराया। स्विट्जरलैंड के पर्यटन विभाग का ये दुनिया का ऐसा पहला अभियान था जिसमें सिर्फ महिलाओं ने ही भागीदारी निभाई।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग का सेटअप तैयार हो गया है। अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग में 256 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन को स्थापित कर सप्ताह के भीतर कैथ लैब का काम पूरा होगा। जुलाई में इस अस्पताल का उद्घाटन किया जाना प्रस्तावित है। इसमें स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने अस्पताल के लिए अतिरिक्त सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए 12 विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा 12 स्टाफ नर्सों की तैनाती की है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग देगा। निःशुल्क कोचिंग के लिए अभ्यर्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा 31 जुलाई को होगी जबकि 20 अगस्त को इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। इस परीक्षा में केवल अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की योजना में डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र सीयू धर्मशाला में यूजी धर्मशाला में यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग देगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।